नोएडा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। शहर में अशांति फैला रहे लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। आपको बता दें, नवंबर से अभी तक नोएडा पुलिस 400 से ज्यादा नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी कड़ी में नोएडा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। नोएडा के स्कूलों और कॉलेजों में गांजा सप्लाई करने वाली एक गैंग को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से करोड़ों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा के विकास के लिए यूपी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं शहर में शांति बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शहर में घुस रहे बदमाशों पर नोएडा पुलिस की पैनी नजर है। तो वहीं विश्व पटल पर एजुकेशन हब के रूप में उभर रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में युवाओं को नशे के लत में डुबाने के लिए नशा माफिया लगातार सक्रिय भी है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को नशीले पदार्थ सप्लाई कर नशे की गर्द में डाल रहे हैं। नशे के इन माफियाओं के खिलाफ नोएडा पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस ने बीटेक से इंजीनियरिंग करने के बाद नशे के कारोबार से जुड़े दो तस्करों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 24.5 किलो गांजा बरामद किया है। ये लोग नोएडा में रहने वाले युवाओं को पीजी कॉलेज के आसपास के इलाकों में गांजा सप्लाई करते थे। नशीले पदार्थों के अभियान में जो उनके पकड़ धकड़ में हमारी टीम लगी हुई थी, उसी क्रम में सेक्टर 24 के द्वारा तीन बदमाश पकड़े गए हैं। इनके पास से करीब 24 किलो के आसपास गांजा बरामद हुआ है और ये मूल रूप में बिहार के रहने वाले हैं। एक आदमी हाथरस का रहने वाला है। इनका जो मुख्य टारगेट था, जहाँ पर सप्लाई करते थे, वो पीजी, जहाँ पर भी ऐसा एरिया है जहाँ पर युवक रहते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको ये सप्लाई करते थे। इसमें से अलीगढ़ एक आदमी हाथरस का रहने वाला है, तो उसके आसपास भी सप्लाई करने की बात प्रकाश में आई है। तीनों को हम लोग जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। एक हमारी स्पेशल टीम अभी इंट्रोगेट कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े अपूर्व राज पांडे और ऋषि राज ने गुजरात के विश्वविद्यालय से बीटेक पास किया है, तो वहीं आयुष 12वीं पास है। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र के मुताबिक तीनों गांजा तस्करों को सेक्टर 22 के शिवम मार्केट के पास से पकड़ा गया है। पूछताछ में तीनों ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा से बैग और अटैची में गांजा भरकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लाने की बात को स्वीकार किया है। ये तस्कर बाज व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गांजे की सप्लाई करते थे। ग्रुप में पहले से जुड़े लोग ही इसकी मांग करते थे। तस्करों ने नाम बदल कर टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा था। ग्रुप पर समय, स्थान और मात्रा की सूचना दी जाती थी। इसके बाद आरोपी वहां गांजा भेज देते थे। पुलिस इस ग्रुप में शामिल तस्करों और डिलीवरी करने वालों की भी तलाश कर रही है। ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। इसमें से दो हैं जो बीटेक कर रखे हैं, एक है जो इंटर पास है, और ये बीटेक करने के पश्चात ये लोग ऐसे ही युवकों को, जो लोग की शिक्षारत हैं या छात्र हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। कोई और भी टीम में? मैंने बताया कि हमारी स्पेशल टीम लगी है इनकी बातों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हम लोग पता लगा रहे हैं। इस गैंग में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे, हम तब तक विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कितने वर्ष से कर रहे थे ये? विगत करीब 5 वर्षों से इनके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है और इनकी समस्त पूछताछ को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। शहर में नशा फैला रहे इन माफियाओं के खिलाफ नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया था। नवंबर से लेके अब तक नोएडा पुलिस ने 400 से ज्यादा नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान इन लोगों के कब्जे से 2.25 अरब रुपए का नशा का माल बरामद किया जा चुका है, जिसमें करीब 1700 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो वहीं 2480 ई सिगरेट, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, 14.67 किलोग्राम स्मैक, जिसकी कीमत करीब 98,68,000 रुपए की है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो जल्द से जल्द नोएडा पुलिस को सूचित करें, ताकि शहर में युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।